डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 में जो हमारा टिश्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात की थी, जाइलम एंड फ्लोएम की, प्लांट्स की बात की थी, कहने का मीनिंग मेरा ये है। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। हमारे पास जो एनिमल टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर कितने तरह के होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें 4 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप के, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर, नर्वस एंड एपिथेलियल, ये 4 टाइप्स के क्या होते हैं बच्चों, एनिमल टिश्यू होते हैं। तो हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे। तो आपकी बुक में जैसे ही उन्होंने लिखा हुआ है, एक बार वैसे स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी ब्रीद वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आर चेस्ट। जब वो मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो किस टिश्यू की बात करना चाह रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं वो, कि हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलर टिश्यू होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, देखो, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, सभी को पता है कि वो लंग्स में जाती है, इट इज़ अब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्लड सेल्स। अब जब वो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, तो कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, ब्लड। व्हाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है कि वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एनर्जी जनरेट करता है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, फॉर एग्जांपल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स, इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स एंड कैरीज देम टू लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। तो ये सारा आपको पता है डियर स्टूडेंट्स। अब उन्होंने कहा ब्लड एंड मसल्स आर बोथ द टिश्यूज फाउंड इन आर बॉडी। ब्लड किसकी एग्जांपल है, कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है, और मसल्स किसकी एग्जांपल हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, मस्कुलर टिश्यू की एग्जांपल है। और एक मैंने आपको और बताया था, नर्वस टिश्यू क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स हैं, एक बॉडी पार्ट से सेकेंड बॉडी पार्ट तक जो मैसेज कन्वे होता है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज़ ड्यू टू नर्वस टिश्यू। लेकिन हम जो पढ़ना जा रहे हैं अभी सबसे पहले, वो है एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू क्यों है, ये हमारी बॉडी के इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह की इंजरी से, किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन से, इन चीज़ों से ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और आप ये कह सकते हो हमारी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ आर बॉडी, वो किससे बनी हुई है, दैट इज़ ड्यू टू एपिथेलियल टिश्यू। आउटर कवरिंग ऑफ आर बॉडी इज़ ड्यू टू एपिथेलियल टिश्यू। इसके जो सेल्स होते हैं बच्चों, सेल्स आर टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड होने का क्या मतलब होता है, कि इनके बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। जब आपने एपिडर्मल सेल्स के बारे में पढ़ा था प्लांट बॉडी के अंदर, तो एपिडर्मल सेल्स में भी यही लिखा था कि इनके बीच में जो स्पेस होती है वो लगभग ना के बराबर होती है, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। क्योंकि अगर इनके अंदर स्पेस ज़्यादा होगी तो कोई भी सब्सटेंस पार्टिकल अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। तो लेकिन ये इन्होंने हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है, तो इसका मतलब इनके अंदर किसी भी तरह की इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। और इनके जो सेल्स हैं वो एक कॉन्टीन्यूअस शीट फॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक पूरी कवरिंग होती है इसकी एपिथेलियल टिश्यू की, ओके। और जो सारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इनके पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं हम उसको, ठीक है। ऑल एपिथेलियल टिश्यूज आर सेपरेटेड बाय अदर्स थ्रू अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब मैं आपको ये एग्जांपल से बता रहा हूँ कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो। अब जैसे मैंने आपके यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट फिगर है, मैं इसको फर्स्ट फिगर का नेम दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब कि जो इसका बेस है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी हुई है, आप देख सकते हो, दैट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो इसका काम क्या होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, एक तो ये सभी सेल्स को जो किसी भी टिश्यू के, जैसे हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की, तो सेल्स को सरफेस प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, प्रोवाइड सरफेस टू सेल्स। जैसे हम टेबल के ऊपर कॉपी रख के लिखते हैं,
तो अगर टेबल ना हो तो कॉपी रखना हमें लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब टेबल है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम कर रहा है, तो प्रोवाइड सरफेस टू द सेल्स। और बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड, ब्लड और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती है ये, ठीक है। और ये क्या करती है, एपिथीलियल सेल को दूसरे टिश्यू से भी सेपरेट करने का काम करती है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हर एपिथीलियल टिश्यू में आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी एपिथीलियल टिश्यू है। और ये सिंपल मैं आपको आगे बताऊंगा स्ट्रेटिफाइड क्या मतलब है, ये सभी में बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिख रही है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या क्या काम होता है, इट प्रोवाइड्स सरफेस टू द सेल्स, सेकेंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड सप्लाई, थर्ड इट सेपरेट्स एपिथीलियल सेल्स फ्रॉम द अदर सेल्स। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फंक्शन मैंने आपको बता दिए कि एपिथीलियल सेल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्शन टू बॉडी फ्रॉम इंजरी इन्फेक्शन, ठीक है, हमारी माउथ की लाइनिंग और एलिमेंट्री कैनाल को बनाती है ये एपिथीलियल सेल्स, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना, और इसका काम क्या होता है, अब्सॉर्ब करना वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में। तो ये मैंने आपको बेसिक एपिथीलियल टिश्यू के बारे में बताया, लेकिन अभी हम सबसे पहले बात करेंगे स्क्वैमस एपिथीलियम, SQUAMOUS, स्क्वैमस एपिथीलियल टिश्यू की हम बात करेंगे। और जो स्क्वैमस एपिथीलियल टिश्यू है, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, सेल्स आर फ्लैट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आप कह सकते हो इसके सेल्स एक्सट्रीमली थिन होते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, हम रीड करेंगे, एक्सट्रीमली थिन होते हैं इसके सेल्स। और तीसरा आप कह सकते हो इरेगुलर होते हैं इसके सेल्स की जो शेप होती है, इरेगुलर शेप, कि किसी भी तरह की शेप हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है। तो ये सबसे पहला एपिथीलियल टिश्यू की टाइप है, स्क्वैमस एपिथीलियल टिश्यू। अब स्क्वैमस एपिथीलियल टिश्यू आगे दो तरह का होता है, पहला सिंपल, दूसरा स्ट्रेटिफाइड। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, एक सिंपल एक स्ट्रेटिफाइड। जो सिंपल एपिथीलियल टिश्यू है और स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियल टिश्यू है, इनके क्या क्या फंक्शन है, लेकिन मेन कैटेगरी कौन सी है, स्क्वैमस एपिथीलियल टिश्यू, ये आपने याद रखना है। मेन हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, स्क्वैमस एपिथीलियल टिश्यू के बारे में। इसकी दो कैटेगरी हैं आगे फर्दर, एक सिंपल एक स्ट्रेटिफाइड। जब हम सिंपल की बात करते हैं, सिंपल का मतलब हम कहेंगे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, जिसके अंदर एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जैसे आप देखते हो, आपको लगेगा कि ये ब्रेड की तरह लग रहा है, अभी मुझे तो ये आपको पता नहीं कैसे दिख रहा है, शायद आपको भी ऐसा लग रहा हो कि ब्रेड का एक पीस है ना, नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऊपर ब्रेड रखा हुआ है, और यहाँ पे मुझे एक केक की तरह नज़र आ रहा है। जैसे आप कोई पेस्ट्री वगैरह खाते हो तो उसमें भी आप देख सकते हो कि इसकी जो लेयर्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स हैं, देखो कितनी लेयर्स बनी हुई हैं। स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग होता है मल्टी लेयर्ड, आपको कई बुक्स में मल्टी लेयर्ड भी मिलेगा लिखा हुआ, मल्टी लेयर्ड स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। ये कौन सा हो गया, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। ओके, तो इसका मतलब इसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, ये मल्टी लेयर्ड होता है, ठीक है। अब ये क्या क्या करता है, सिंपल जो स्क्वैमस एपिथीलियम है, सिंपल इसका काम होता है फॉर्म्स डेलिकेट लाइनिंग किसकी, माउथ, ईसोफेगस आपको पता होगा क्या होता है, फूड पाइप होती है ईसोफेगस, ठीक है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, या आप अपनी बुक में सारे फंक्शन देख सकते हो, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी लाइनिंग, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, एल्वुलाई ऑफ लंग्स, मतलब काफ़ी जगह की जो आउटर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, वो कौन बनाता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू। और जो स्ट्रेटिफाइड है, इसका काम क्या होता है, इट प्रिवेंट वियर एंड टीयर ऑफ स्किन, मतलब मेन जो हमारी स्किन है वो किससे बनती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू से बनती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया। अगर अभी हम आपके NCERT में देखें तो हम ये एपिथीलियम टिश्यू ही खोल लेते हैं कि एपिथीलियम टिश्यू में क्या लिखा है, इसको देखते हैं ध्यान से। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है।
द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथीलियल टिश्यूज, ये आप देख सकते हो ध्यान से, ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी की कवरिंग, पूरी बॉडी की जो आपकी कवरिंग है वो एपिथीलियल टिश्यू से बनी होती है, आपने इसको याद रखना है। जैसे प्लांट बॉडी की आउटर कवरिंग किससे बनी होती है, एपिडर्मल सेल्स, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते थे, लेकिन हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग किससे बनी होती है, एपिथीलियल टिश्यू से बनी होती है। इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी पे। एपिथीलियम कवर्स, देखो जो एपिथीलियम होता है ये क्या करता है, इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ऑर्गन्स को और कैविटीज को ये कवर करता है, कौन, एपिथीलियल टिश्यू। इट ऑल्सो फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, एक बॉडी सिस्टम को दूसरे बॉडी सिस्टम से सेपरेट रखने का काम भी कौन करता है, एपिथीलियल टिश्यू। अब आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हो, स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वुलाई एंड किडनी टब्यूल्स आर मेड ऑफ एपिथीलियल टिश्यू। अब आपको पता है कि लंग्स के अंदर एल्वुलाई स्ट्रक्चर होती है, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, माउथ है हमारा, हमारी स्किन है, ये सारे एपिथीलियल टिश्यू से बनते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है हम देखते हैं, इन्होंने लिखा है एपिथीलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म्स ए कॉन्टीन्यूस शीट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एपिथीलियल टिश्यू सेल्स होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं और ये कॉन्टीन्यूस शीट बनाते हैं। कॉन्टीन्यूस का मतलब विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट गैप, क्योंकि अगर उनके अंदर गैप होगा तो फिर वो प्रोटेक्टिंग टिश्यू नहीं हो सकता, वो प्रोटेक्टिव टिश्यू नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो अगर उसके अंदर गैप होगा तो कोई भी सब्सटेंस अंदर बाहर आ सकता है। तो वो पूरे जुड़े हुए होते हैं, एक उनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो उनको बाउंड करके रखता है, पकड़ के रखता है। दे हैव, लिखा हुआ है, दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन दैम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनके बीच में किसी भी तरह की इंटरसेलुलर स्पेस बच्चों नहीं होती। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ऑब्वियसली अब देखो ये बहुत अच्छी लाइन है, एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ एंटर करती है या हमारी बॉडी से बाहर आती है तो उसको कम से कम एक लेयर, कम से कम एक लेयर, ज़्यादा भी हो सकती हैं, दो तीन चार भी हो सकती हैं, कम से कम उसको एक लेयर हमारी बॉडी में एपिथीलियम की क्या क्या करनी पड़ती है, क्रॉस करनी पड़ती है। एज ए रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथीलियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में कोई चीज़ एक्सचेंज होनी है, यहाँ से बाहर आनी है, यहाँ से इधर आनी है, तो ऑब्वियसली जो इसकी आउटर कवरिंग है, मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट की जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी हुई है, एपिथीलियम से। तो इसका मतलब इस ऑर्गन की, जिसके अंदर मैंने एक लिखा, इस ऑर्गन की जो आउटर कवरिंग है वो एपिथीलियम से बनी हुई है। तो वो कहते हैं उसकी परमिबिलिटी, कि वो कितना अलाउ कर सकता है किसी मटेरियल को अंदर आना और बाहर जाने के लिए, ठीक है, वो उसकी परमिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज जो एपिथीलियम टिश्यूज होते हैं ये कॉन्टीन्यूस शीट फॉर्म करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथीलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन इंट्रासेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैं आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में भी बच्चों पहले से ही बता चुका हूँ, अगर आप इस चीज़ को समझ गए होगे। अब आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो, मैंने आपको अभी बताया था बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है। अब आप यहाँ पे देखो, ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, दैट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो वो कहते हैं कि हर एपिथीलियम टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर एक बेस फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो उसके टिश्यू को दूसरों से सेपरेट करती है। डिफरेंट एपिथीलिया शो डिफरिंग स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शंस। अब जो एपिथीलियम टिश्यूज हैं ये फोर टाइप्स के या फाइव टाइप्स के होते हैं वो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर उनके फंक्शंस के साथ जुड़ी होती है। फॉर एग्जांपल इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वुलाई, मतलब जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनकी लाइनिंग, हमारी लंग एल्वुलाई की लाइनिंग, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथीलियम। अब ये चीज़ आपने नोट करनी है, सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथीलियम। अब आप देख भी सकते हो, जो आपको सबसे पहली फिगर दिख रही है ये किसकी है, फ्लैट स्क्वैमस एपिथीलियम, ये फ्लैट होते हैं इसके सेल्स, और आपने इसको सिंपल बोलना है, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम,
दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन। ये देखो, ये भी मैंने वहाँ पे आपको पॉइंट लिखवाया है कि इसके सेल्स बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं एंड फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग। ये भी मैंने लिखवाया आपको। द इसोफेगस द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर कवर्ड विद स्क्वैमस एपिथीलियम। और जो हमारी स्किन होती है वो किससे बनती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम से। विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथीलियम। स्किन एपिथीलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। सिंस दे आर अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर्स दिस एपिथीलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम स्क्वैमस एपिथीलियम। तो आई थिंक आपको स्क्वैमस एपिथीलियम समझ आ गया। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे कॉलमुनर एपिथीलियम टिश्यू क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू क्या होता है, और इसके बारे में वन बाय वन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज बच्चों आपने यहाँ तक रीड कर लेना अच्छी तरह से, और इसके नोट्स बना लेने आपने।